इस वेले दी वड्डी खबर जीरकपुर तो सामने आई है, जिथे जीरकपुर तो एक वीडियो भी सामने आई है जिथे अखां दे सामने देखदे ही देखदे जिहड़ा मकान है टेरी हो गया। दस दी कि घटना जीरकपुर दे टकोली दी दसी जा रही है, जिथे मकान जिहड़ा नाले दे उपर बनिया होया सी तां कुछ दिन पहला ही मकान ते तरेड़ां आउणियां शुरू होईयां सन, तां अज अचानक जिहड़ा घर है ताश ते पत्तियां वांग डिगदा होया दिखाई दिता है, जिस घर नूं बनाउण वास्ते घर दी मालक ने अपनी पूरी कमाई ला दिती है, जो उसदियां ही अखां दे सामने जिहड़ा मकान है टेरी हो गया। दस दे कि जदों मकान मालकन ने यह घर डिगदा देखिया तां उसदियां अखां दे विचों हंझू रुकण दा नाम नहीं लै रहे सन। तां तुसीं इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि किवें घर दी मालकन दा रो रो के बुरा हाल होया पिया, उह अपने घर नूं देख के किस तरीके दे नाल उसदा जिहड़ा मन दुखी होया, तां उह उसदा रोणा नहीं रुक रहा। तुसीं इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि जिस औरत ने जिस मालकन ने घर दी मालकन ने अपनी पूरी जिंदगी दी कमाई घर नूं बनाउण वास्ते लगाई होवे तां उसदे अज की बीती होवेगी, उसदियां अखां दे सामने जिहड़ा जकार है टेरी हो गया। दस दी कि जदों इह घटना वापरी है तां घर दे विच कोई भी मौजूद नहीं सी। दस दी कि जदों दीपा नाल गल करनी चाहिए तां उन्हां ने दस्सिया कि उह अपने बेटे दे नाल इत्थे रहि रही है, तां जिहड़ा पति है उह पुणे दे विच नौकरी करदा। सो दोपहर दे 3:30 बजे सन जदों गुआंढियां ने फोन करके दस्सिया कि तुहाडे मकान दीआं कंधां दे विच तरेड़ां पैण दीआं आवाज़ां आ रहीआं ने, क्योंकि उह अपने बेटे दे नाल काम ते किते बाहर गई हुई सी। तां उन्हां दस्सिया कि इह जिहड़ा मकान आ उन्हां ने 8 साल पहला बैंक नूं नीलामी दी रकम दे के खरीदिया सी, पर गनीमत इह रही है कि जिस समें मकान डिग्गिया उस समें घर दे विच कोई भी हाजर नहीं सी। तुसीं इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि किस तरह जिहड़ा घर है कि वी एकदम डिगदा होया दिखाई दिता, तां आसे पासे दे लोग ते कुछ समाज सेवी लोग भी जिहड़े ने उह मौके ते पहुंचे ने। नमस्कार, मैं हंसराज शर्मा, सोशल समाज सेवक जीरकपुर डगोली से। देखिए, आज हमारे कृष्णा इनक्लेव के अंदर ये जो एक हादसा हुआ, हमारी बहन अपने ऑफिस सुबह जैसे रूटीन में ऑफिस जाते हैं वैसे ऑफिस गई है, छोटा बच्चा है इसका 10 साल का, उसको स्कूल भेजा है। मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि भगवान का बहुत मेहर रही जो बच्चा घर पर नहीं था। अगर बच्चा घर पर होता, देखिए किस तरह से लेंटर जो है ऊपर से गिर गया और बिल्डिंग जो है एक साइड को बैठ गई, तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से जो है आज बहुत बड़ा हादसा जो है वो टला है। तो किसकी नालायकी मानते हैं जी? देखिए, नालायकी तो हम किसी को क्या कह सकते हैं, जगह प्लॉट कोई बेचता है, आगे कोई बिल्डर आके मकान बनाता है, वो किस तरह से बना रहा है किस तरह से नहीं बना रहा है। इन्होंने भी 8 साल पहले लिया, बैंक से लिया था, अब पहले किसने बनाया किसने नहीं बनाया ये थोड़ी ना कोई देखता है। और सभी जगह खासकर ऐसा होता है जीरकपुर डगोली के अंदर, सभी लोग बाहर से आए हैं, अब किसने क्या बनाया, उसको बढ़िया तरीका से लिपस्टिक लगाई है, बड़ा सुंदर ग्रिल लगा दी है, बड़ा सुंदर वो कर दिया है, अपना 40 लाख की बिल्डिंग का 1 करोड़ रुपया लगा दिया है, तो नेचुरली अगला वो करेगा ही। अब बाहर से जो लोग आए हैं पाई पाई अपनी पूरी उम्र की कमाते हैं, वो एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई हिमाचल प्रदेश से आया है, कोई अपना उत्तराखंड से आया है, कोई जम्मू कश्मीर से आया है, कोई यूपी बिहार से आया है, उन लोगों को थोड़ी मालूम है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है। और लेकिन ये नाले के ऊपर जो 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले नाला गिरा, तो मैं इसमें जीरकपुर जो प्रशासन है उसको भी कहूँगा कि 1.5-2 महीने से पुल जो है वो गिरा हुआ था, इसका टेंडर लगा या नहीं लगा इसका वो जवाबदारी देंगे। बिल्डिंग जो ये सीवरेज पाइप जा रही है इसकी वजह से जो है पानी अंदर गया या क्या हुआ, इसकी प्रॉपर तरीके से तहकीकात की जाए, ताकि इसका कैसे ये कैसे मकान गिरा और कैसे एक गरीब आज एक गरीब बहन हमारी जो है वो बेसहारा हो गई। हंसराज जी, इसी तरीके से नाले के किनारे और भी मकान बनाए जा रहे हैं जिनकी अभी नींवों पे थे जो मकान, वो प्रशासन कैसे इजाजत दे रहा है नाले के किनारे बनाने की? देखिए, अभी यहाँ पे नक्शे भी पास नहीं। देखिए, कल परसों एक मकान जहाँ बसंत विहार फेज 3 की बात है, उस मकान का 15 दिन पहले ही बोला गया कि वो नाले के ऊपर है, वो इससे भी ज़्यादा नाले के ऊपर है, उसके लिए भी कहा गया, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता है, या क्यों मतलब ये सब होता है। अब जब 4-5 दिन पहले ही जो वहाँ बसंत विहार के अंदर एक अपना मकान बना है, तो ये तो सो जीरकपुर MC या काउंसिल जाने इस चीज़ को, लेकिन जो किसी का घर जो उजड़ा है, जो किसी का आज एक घर बेघर जो है वो हो गए हैं, हमें उनकी बहुत चिंता है। और मैं ये कहता हूँ कि जीरकपुर प्रशासन को इनका आशियाना जो है वो कहीं ना कहीं इनका आशियाना की जगह बनानी चाहिए, या इनको आशियाना जो है वो मिलना चाहिए। क्या नाम है अंकल जी अपना? मेरा सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, ये जो दरारें आई हैं मकान के अंदर, इसका कारण आप क्या मानते हैं? कारण है बरसाती नाला जी, बरसाती नाला, इसकी रिपेयर हुई नहीं है,
और धीरे 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 डैमेज होता रहा, इसकी आरसीसी नीचे से खाली हुई पड़ी है उस कारण से ये। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नालों के किनारे मकान बनाने से बाहर नहीं आ रहे। ये तो शुरू से बन रहे हैं जी, अब क्या करें जी। ये कौन सी कॉलोनी है जी? ये कृष्णा की। कौन इसका कॉलोनाइजर कौन है जी? ये हरजीत सिंह मिंटा जी। ये वार्ड नंबर कितना पड़ता सर? वार्ड नंबर 14। कभी इस चीज़ की शिकायत मिंटा जी को आप लोगों ने की हो? कई बार जी। तो उसका एक्शन क्या हुआ जी? एक्शन कुछ भी नहीं। एक्शन कुछ नहीं, नहीं। क्या नाम है जी अपना? मेरा इंदिरा, मकान नंबर 38 है मेरा। हाँ इंदिरा जी, ये मकान जो इसमें दरारें पड़ी हैं, कारण क्या है? कारण तो नाला है जी, नाला टूटा है, तोड़वाने वाले नाला तोड़वा दिया। मैं नाम नहीं लूंगी। नाला नहीं तोड़ाया, पुल तोड़वाया। जो भी है पुल तोड़वा गया, उसके बाद शर्मा जी आप बोलो। हाँ पुल टूटा है, उसके बाद जाके ये देखो प्रॉब्लम आई है। लोग गंदगी करते हैं, गंद गेरते हैं, फिर भी हम रोकते हैं। फ्लैट्स वाले गेरते हैं, सामने आमने वाले गेरते हैं, क्या करें? ऊपर है।